ओके तो गाइज मैं आज इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा डेली रूटीन में काम आते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अब वो कैसे, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला देंगे कंप्यूटर की दुनिया में। अब वो कौन से होने वाले वो तो आगे चल के बात करेंगे, सारा आपको डिटेल वाइज बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारा सब कुछ बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अपने कंप्यूटर की दुनिया में काम कर सकते हो, काफ़ी स्मार्ट बना सकते हो अपने वर्क को। और अगर आप वैसे सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ता है ऐसी सर्विसेज के लिए। जैसा कि आपको मैं सर्विस बता देता हूँ, आपको कोई सी फाइल है उसे कंप्रेस करके एकदम साइज है वो छोटी करनी है, जैसे 1 GB की फाइल है और आप चाहते हो कि वो कुछ MB में ही सिमट के पूरी हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे 1 GB की है उसे 700-800 MB में आप कन्वर्ट कर सकते हो और पिक्सल वही रहेंगे, पिक्सल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, जो पिक्सल्स हैं वो आपके एक्यूरेट बने रहेंगे। और बताने वाला हूँ कि आप अपनी फाइल्स को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में किसी को भी सेंड कर सकते हो, वो पासवर्ड प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। तो जैसे कोई इमेज है और आपको किसी को भेजनी है, प्राइवेट इमेज है और आप चाहते हो कि अगला बंदा ही इसे देख पाए, बीच में कोई भी बंदा इसको नहीं देख पाए ओपन करके, या फिर आपकी बिना परमिशन के कोई भी नहीं देख पाए, तो वो भी आप कर सकते हो, किसी भी फाइल को इनक्रिप्टेड करके और अगले को भेज सकते हो पासवर्ड प्रोटेक्ट करके, ठीक है। फिर तीसरा अपडेट हो गया कि आप किसी भी फाइल को JPG में या फिर PDF में ऐसे कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे JPG में है तो आप उसे PDF वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हो, फोटोज़ वगैरह को, वो भी कर पाओगे। जैसे आपकी वर्ड की फाइल है और आप उसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन मैं आपको फ्री में बताऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सॉफ्टवेयर रहने वाला है, आपको कोई भी चीज़ के लिए उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसे वन क्लिक पे कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि पहले फाइल अपलोड करो उसके बाद में वो कन्वर्ट होगी, उसे डाउनलोड करो फिर आप उसे यूज़ कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप सीधा राइट क्लिक करो, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद में आप उसे डायरेक्ट जिस भी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, कंप्रेस करना चाहो कर सकते हो, इनक्रिप्टेड करना चाहो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मैं इस वीडियो में। ओके गाइस, तो यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, बात कर लेते हैं किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आपको काम में लेना है, क्या क्या काम होगा वो सारी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है फाइल कन्वर्टर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आपको बता रहा था इसमें कोई भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा ऑल टोटल फ्री होने वाला है, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें खूबी रहने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मैं इस पर डबल टैप पे इसको ओपन करूँगा, यहाँ से रन करूँगा और इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है और देन इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पर इसको यस करना है। यस करने के बाद में ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा मोबाइल कनेक्टेड है तो ये कुछ एरर दे रहा है, इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर देना है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे ये कोई भी आपको फोल्डर वगैरह शो नहीं होगा उस सॉफ्टवेयर का। अब मैं बता देता हूँ काम कैसे करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे वर्ड, एक्सेल और जो भी है PDF वगैरह यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली होने वाली है फोटो, ठीक है, फिर वर्ड फाइल होने वाली है, फिर PDF। अब मैं आपको इनको चेंजेस करके बताऊंगा कि क्या क्या इनमें आप चेंज कर सकते हो एक क्लिक पे, ठीक है। तो आपको कुछ भी करना नहीं होगा, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शंस है वो ऐड हो जाएंगे, जैसा कि ये आ चुका है यहाँ पे फाइल कन्वर्टर। तो फाइल कन्वर्टर पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आप इस जो फोटो को है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये फोटो है JPG में आपको कन्वर्ट करना है, ICO में कन्वर्ट करना है, PDF में कन्वर्ट करना है, स्मॉल PNG में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PDF में कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे 2 PDF पे करना है। तो जैसे ही आप PDF वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 सेकंड में PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे कैप्चर जो इसका फोटो का नेम था वो यहाँ पे आ चुका है PDF में, और यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे PDF में कन्वर्ट हो चुका है, पिक्सल्स जो उसमें दिया हुआ था वैसा ही इसमें पिक्सल्स रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं फोटो भी ओपन करके बता देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वर्ड की बात करूँ तो वर्ड पे भी आपको
आपको सेम चीज करना है, यहाँ पे जाना है राइट क्लिक करके फाइल कन्वर्टर पे जाना है। तो इसमें आप दो ऑप्शंस कर सकते हो इसको, या तो पीडीएफ में चेंज कर सकते हो या पीएनजी में चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको इसको पहले ओपन करके बताता हूँ कि इसमें होने वाला क्या है, ठीक है, फिर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ मैंने टाइप कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा। तो राइट क्लिक करना है, फाइल कन्वर्टर पे जाना है और यहाँ पे टू पीडीएफ कर देना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में आपका जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी आसान है, ये देखिए यहाँ पे हो चुका है कन्वर्ट पीडीएफ में। ओके, तो ये देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका आप प्रिंट लेना चाहो तो ले सकते हो, किसी को सेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीडीएफ को चेंज करने के लिए, तो पीडीएफ में क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसे फोटोज़ में चेंज कर सकते हो, पीएनजी में चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टू पीएनजी करूँगा तो ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखिए हो चुकी है, अब इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो फ़ोटो है ये पीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है, फ़ोटो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और भी मैं कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ इसको लेकर। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सको, ऑनलाइन जाके अपलोड वगैरह नहीं करना होगा, आप सीधे राइट क्लिक पे ये चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप भी मानते होंगे कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है डेली रूटीन में। जैसे आपको पीडीएफ में फ़ोटो में कन्वर्ट करना पड़ता है पीडीएफ को, या फिर फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी होती है, ठीक है। लेकिन आपको राइट क्लिक पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, कोई भी आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर ओपन करके ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आराम से ईजी टू यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप किसी को फाइल सेंड कर रहे हो और आपको उसको इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो वो चीज़ बताऊंगा, ताकि अगला ही उसे ओपन कर पाए जिसको आप भेजना चाहते हो, उसके अलावा कोई भी उसको ओपन नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सीधा आपको लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, और यहाँ पे देखिए एक सॉफ्टवेयर होने वाला है इनक्रिप्टो, ठीक है। तो इनक्रिप्टो एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका मैकबुक है तो आपको मैकबुक वाले पे जाना है, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पे जाना है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अगर आप देना चाहो तो अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रन का आएगा, तो ये देखिए यहाँ रन और कैंसिल का दोनों का आ रहा है, तो आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है, यस करने के बाद में सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल वाले बटन पे जैसे ही दबाओगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा, तो इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट करके भी बताऊंगा, कोई सी भी फाइल आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस होने वाला है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे आगे कर लेना है, और यहाँ पे सब्सक्राइब की जगह स्किप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर है वो रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। तो जिस भी आपको फाइल को इनक्रिप्ट करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपको राइट क्लिक पे भी ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, राइट क्लिक पे ही आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो है तो मैं इसे इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इनक्रिप्टो पे करना है यहाँ पे जाके, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है वो इनक्रिप्ट होने लगेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड मैं 123 कर देता हूँ, और यहाँ पे हिंट देना चाहो तो दे सकते हो, वरना आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। जैसे इनक्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए इनक्रिप्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको सेव एज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सेव हो चुकी है, और यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड प्रोटेक्ट होने वाली है, तो यहाँ पे मेरे को पहले पासवर्ड डालना होगा, अगर पासवर्ड नहीं डालूंगा तो ये यहाँ पे शो नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनक्रिप्ट कर सकते हो आप कोई सी भी फाइल हुई, वर्ड एक्सेल वगैरह, आप वीडियो तक आपको इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करके और अगले को भेज सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो सेफ रह सके, कोई भी अननोन पर्सन उसको नहीं छेड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब चीज़ों को इनक्रिप्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जरूर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, अब आपको कोई
वीडियो कंप्रेस करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्रेस की बात कर लेते हैं, तो उसी तरीके से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फाइल कन्वर्टर पे जाना है और यहाँ पे आपको जाना है 2 MP4 लो क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी आपकी एज इट इज रहने वाली है, लेकिन जो आपका MB साइज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये कंप्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, वो टाइम आपको देना है, देन ये कन्वर्ट करके और आपको दे देगा, कंप्रेस करके दे देगा। तो यहाँ पे इसको होने देते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है, अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कंप्रेस होके आ चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हो पुराना वाला है और यहाँ पे ये कंप्रेस होके आया है वो है। तो यहाँ पे आप साइज देख रहे थे इसकी, 8 MB यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी साइज जो है वो यहाँ पे दिखा रही है, 8.40 MB थी। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे साइज देख लेते हैं, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इसकी साइज जो है वो 2.43 MB हो चुकी है, तो आधे से भी कम हो चुका है। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं एक बार, तो प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद में जो पिक्सल्स है वो सेम एज इट इज़ रहने वाले हैं। देखिए, तो मेरे ये 4K वीडियो है, 4K थोड़ा अटक के चलता है, लेग मारता है, और यहाँ पे ये भी देखिए 4K क्वालिटी में ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए तो सेम पिक्सल्स है, सेम क्वालिटी है, ओनली आपका जो साइज़ है वो कम हो चुका है। तो आप लो क्वालिटी का मतलब ये मत समझना कि जो इसका पिक्सल्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है फाइल कन्वर्टर जो है, ये आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो, आपको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। इन फ्यूचर क्या, अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ये चीज़ें काफ़ी डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं जो आपको काम आती रहती है, आपको ज़रूरत पड़ती है, और कई लोग तो इन चीज़ों के लिए पैसे भी पे करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपका सीधा साधा काम हो जाएगा ओनली फ्री सॉफ्टवेयर से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले चैनल जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।